नमस्कार, मैं हूं जानिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहले नजर करते हैं देश की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय 3 समन जारी कर चुका है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी संभावनाएं भी जताई हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। वे 6, 7 और 8 जनवरी को गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। केजरीवाल गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है और विपक्षी खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर तेज है। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नजरें इस पर भी हैं। ये पहले ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस सूबे की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही है, लेकिन पार्टी के तेवर अब कुछ नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीते 11 महीने से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आज जन्मदिन है। मनीष सिसोदिया आज 52 साल के हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आंदोलन के दौर से भी पहले से एक दूसरे के मित्र रहे हैं। ऐसे में सिसोदिया के जन्मदिन पर केजरीवाल ने उन्हें याद किया है। सोमालिया में जहाज बीते दिन हाईजैक हो गया था, जिसके बाद उस पर भारतीय सेना कड़ी निगरानी रख रही है। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज पर चालक दल में 15 भारतीय सदस्य भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर नजर रख रहे हैं और चालक दल के साथ संचार स्थापित किया गया है। बंगाल में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हमला होने की जानकारी मिली है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पर कथित तौर पर हमला किया गया। राशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बनगांव में पूर्व बनगांव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्या के आवास पर छापेमारी की थी। राजस्थान के श्रीकरणापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती 8 जनवरी को होगी। कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर कुन्नूर पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे रुपिंदर सहानुभूति लहर पर सवार हैं, जबकि भाजपा के सुरेंद्र पाल को पहले ही भजन लाल सरकार में राज्य मंत्री बनाया जा चुका है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिप्पणी की है। बदरुद्दीन का मानना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जनता कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल स्कूल में खेलते समय बच्चे ने बॉल समझकर एक बम उठा लिया था। इसके बाद बम को उसने दीवार पर फेंका तो जोरदार धमाका हो गया, जिसमें बच्चा घायल हो गया। लोग जब बच्चे को अस्पताल ले गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मिजोरम के लुंगले में शुक्रवार को भूकंप के झटकों पर धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि लुंगले में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप शुक्रवार सुबह 7:18 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। गौरतलब है कि बुधवार को मणिपुर के अखरोल में 26 किलोमीटर की गहराई पर रिक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था। कड़ाके की ठंड के बीच शुक्रवार को दिल्ली में सुबह के तापमान में वृद्धि देखने को मिली है, तो दृश्यता के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज भी सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना जताई है, जिससे दिल्ली वालों को ठिठुरा देने वाली ठंड सताने का अनुमान है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। एक नजर करते हैं विदेश की बड़ी खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका ने एक चौंकाने देने वाला खुलासा किया है। अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्चर प्रदान किए हैं, जिसका उपयोग रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किया है। व्हाइट हाउस ने हाल ही में सार्वजनिक की गई खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। ईरान में बुधवार को हुए 2 बम धमाकों में करीब 100 लोगों से अधिक की मौत के बाद इजराइल हमास युद्ध के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायली दौरे पर हैं। अपने दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री कई अन्य अरब देशों का भी दौरा कर सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से एंटनी ब्लिंकन का इजराइल का यह चौथा दौरा है।
अमेरिका में गुरुवार को अमेरिकन एयरफोर्स का BM-1 लैंसर बॉम्बर लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यह दुर्घटना शाम के करीब 6 बजे साउथ डकोटा में मौजूद एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस में हुआ, जब क्रू मेंबर ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि इस दुर्घटना में B-1 लैंसर बॉम्बर में बैठे चारों क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, इस बात की सूचना US एयरफोर्स ने दी। दक्षिण कोरिया पर शुक्रवार की सुबह लगातार 200 से ज्यादा तटीय तोपखाने गोले दागे गए हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने उन पर गोले दागे हैं। दक्षिण कोरिया ने अपने बयान में कहा कि गोलीबारी के कारण दक्षिण कोरिया से किसी नुकसान की खबर नहीं है। गोले उत्तरी सीमा रेखा NLL के उत्तर में गिरे, जो दोनों कोरिया के बीच समुद्र सीमा है। अमेरिका में हिंदू मंदिर को फिर से निशाना बनाया गया है। खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थन नारे लिखे हैं। खालिस्तानियों ने 14 दिन में दूसरी बार हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। हैवर्ड में विजय शेरावली मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर पर हमले के ठीक 2 सप्ताह बाद निशाना बनाया गया है। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गुरुवार को एक प्लान पेश किया, जिसमें बताया गया कि इसराइल हमास युद्ध के बाद गाजा में प्रशासन कैसे होगा। इस प्लान के मुताबिक ना तो इसराइल और ना ही हमास गाजा पर प्रशासन करेंगे। गैलेंट के इस प्लान को इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली वॉर कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब साफ है कि इसराइल की सरकार इस प्लान पर सहमत है। न्यूयॉर्क में एक सबवे ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण 24 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक लगभग 300 लोगों को ले जा रही एक सबवे ट्रेन गुरुवार दोपहर मैनहट्टन में वेस्ट 96वीं स्ट्रीट के पास एक वर्क ट्रेन से टकरा गई, जिससे वह ट्रेन पटरी से उतर गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यमन के हाउती विद्रोहियों से लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर अपने हमले रोकने की अपील की है। कहा कि ये हमले अवैध हैं और क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता और वैश्विक खाद्य आपूर्ति को खतरे में डालते हैं। 2024 में सुरक्षा परिषद की पहली औपचारिक बैठक को संबोधित करते हुए सदस्यों ने यह भी मांग की है कि हाउती विद्रोही गैलेक्सी लीडर और उसके चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दें। इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान आतंकवादी संगठन अलकायदा अमेरिका के रुख की वजह से गुस्से में है। इसकी वजह से वे लोग अमेरिका के दिग्गज बिजनेस टाइकून को निशाना बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने चैट रूम के माध्यम से अमेरिकी बिजनेस दिग्गज एलन मस्क, बिल गेट्स और सत्य नडेला की हत्या करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की धमकी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिनी यात्रा के दौरान नेपाल ने एक दीर्घकालिक 4 समझौते पर दस्तखत किए हैं। यह समझौता आगामी 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ एक द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन व सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत की मौजूदगी में बिजली निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक नजर करते हैं मनोरंजन और खेल की दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। आमिर खान की लाडली आयरा खान और नुपुर शिखरे शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज की है, जिसमें फैमिली मेंबर्स और कुछ खास दोस्त शामिल हुए थे। आमिर ने शादी में अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को नहीं बुलाया था। कोर्ट मैरिज के बाद अब आयरा और नुपुर उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं, जिसके लिए वे जल्द ही रवाना हो जाएंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद आमिर मुंबई में अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए रिसेप्शन देने वाले हैं। बिग बॉस 17 टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। इस शो के तमाम कंटेस्टेंट्स की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इन सबके बीच अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। सलमान खान के रियलिटी शो में दोनों के बीच काफी झगड़े होते हुए देखे गए हैं और इस दौरान दोनों के रिश्तों में खटास भी दिखाई दी है। कई बार तो अंकिता ने विक्की जैन की हरकतों से तंग आकर तलाक तक की बात कही है। वहीं अपकमिंग एपिसोड में विक्की जैन मुनव्वर फारूकी से बढ़ती अंकिता की नजदीकियों को लेकर भड़कते हुए नजर आएंगे। रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार बैठी एनिमल घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई कर रही है।
इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म बारहवीं फेल की सफलता का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों ने विक्रांत की फिल्म और अभिनय की काफी तारीफ की। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उनकी सराहना की। अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने विक्रांत की तुलना दिवंगत अभिनेता इरफान खान से कर दी है। एक्टर मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन के बाद अब अपनी दूसरी ओटीटी रिलीज किलर सूप को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी डार्क कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज का ट्रेलर 2 दिन पहले ही ऑडियंस के सामने आया है, जिसे देखकर दर्शकों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। किलर सूप में कोंकड़ा सेन शर्मा के साथ पहली बार मनोज बाजपेयी ओटीटी पर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। ये वेब सीरीज 11 जनवरी 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डीन एल्गर अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे। ऐसे में रोहित और विराट ने एल्गर के आखिरी टेस्ट को खास बनाया। रोहित और विराट ने खिलाड़ी को खास तोहफा दिया, साथ ही उन्होंने एल्गर को आखिरी पारी में विकेट गंवाने के बाद गले लगाकर मैदान से बाहर भेजा। भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हरमनप्रीत ब्रिगेड को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। अब हरमनप्रीत टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करना चाहती है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नमन तिवारी के 4 विकेट के दम पर भारत ने गुरुवार को यहां अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर 3 देशों के अंडर 19 टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अफगानिस्तान को 33 ओवर में 88 रन पर समेट दिया। भारत ने 227 गेंद रहते जीत प्राप्त की। यह भारत की 3 मैच में तीसरी जीत थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 2 दिन के 5 सत्र में ही मैच खत्म होने के कारण इस पिच पर सवाल होने लाजमी है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग से समय मिलने पर जब कप्तान रोहित शर्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने अपने शरीर पर लगी गेंदों के निशान दिखाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिच कितनी खतरनाक थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली टी20 सीरीज के दौरान टीम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शुक्रवार को टीम का चयन कर सकता है। टीम इंडिया तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को ब्रेक दे सकती है। ये दोनों काफी समय से खेल रहे हैं और टी20 विश्व कप 2024 को देखते हुए आराम देना जरूर हो गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव का सीरीज से बाहर होना तय है। हार्दिक पांड्या को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। ये दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हैं, हालांकि इनको लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।